तेरा मैं भला सोचती हूँ सुरैया। नवाब दौलत मिर्जा के पास इतनी दौलत है कि जवानी के सारे गम भूल जाओगी। जवानी को पैसों में तोलना पड़ा तो जवानी को फूंक डालूंगी अमराव बेगम। किसी नवाब दौलत मिर्जा के हाथ बिकने नहीं दूंगी। चल तेरी मर्जी। कांटों से उलझने का इतना ही शौक है तो फूलों को मसलती रहो। बानो कहाँ है? बानो तो गई। अभी तो गम गुसार गए हैं, अगली बार किसी से दिल की कहने सुनने की उम्मीद जाएगी। और आखिर में तेरे लिए रोने वाले तेरे आंसू भी छीन लूंगा। चल परी। आंसू तो रोने वालों की आंख से निकलते हैं लुड्डन मियां, और हम जो है ना रोएंगे कभी नहीं, रुलाएंगे तुम दोनों को, और इतना रुलाएंगे कि हंसने के पागलपन में खोई हुई आपकी गैरत वापस लौट आएगी। कल का थप्पड़ भूल गई तुम? तुम एक थप्पड़ पे भरोसा ना करो लुड्डन चाचा, कि वो आबरू की फसील को तोड़ डालेगा। हमारी जान लो तो तुम्हें पता चले आबरू की कीमत क्या है। खाना बंद करो इसका। सांस लेना बंद करो तो बात बनेगी। बात तो बनेगी बन्नो। तेरा मैं रूप ना बदल दूं तो मेरा नाम भी उमराव बेगम नहीं। आ। आदाब भाई। हमारी आंखों में आंखें डाल। ये नहीं कर सकता भाई। जिंदगी भर हमने तेरे लाड उठाए हैं बालम, एक एक तवायफ की खातिर हम तुम्हें बालाखाने की सीढ़ियों से गिरने नहीं देंगे। जो आपसे बेहतर हो कीजिए। तू चाहता है तेरे गुस्से पे तड़प जाएं हम और तड़प कर कह दें कि जा कंचन तेरी हुई। कंचन मेरी नहीं है भाई। जिस दिल में हम अपने लिए जगह मांगते हैं उस दिल पर हुकूमत किसी और की है। मतलब? वो जुल्मी से प्यार करती है। जुल्मी? जुल्मी से वो प्यार करती? पूजा करती है उसकी। पूजा किसे कहते हो? जब कोई प्यार में काफिर हो जाए तो पूजा करता है भाई। तो फिर काफिर बस कंचन नहीं है, तुम भी तो काफिर हो बालम। हमें माफ करना भाई, मोहब्बत इससे कम हमसे नहीं होगी। सच कहूं बालम, दिल्ली की गलियों में हमारी पगड़ी उछलने वाली है। दिल कहता है
कंचन जिएगी तो उसके कोठे से हमारी गैरत का जनाजा निकलेगा। हमने बहुत चाहा भाई, हमारे दिल की आग से आपका दामन ना जले, पर लगता है हमसे आग नहीं बुझेगी और आपसे दामन नहीं बचेगा। तो फिर हम दामन को नहीं बचाएंगे बालम। तुमसे अगर आग नहीं बुझती तो हम दामन को बचा के क्या करेंगे? जाओ कंचन से मिला करो, उसकी चौखट पर नाक रगड़ो, पर एक बात याद रखना बालम, किसी के सामने जब माथा टेक दो तो वो खुदा हो जाता है। दिलबर हजूर क्या गुस्से में थे? तुम गुस्से को समझे हो रामदेव, ना तुम प्यार को समझे हो। हिंदुस्तान में जिस जिसने प्यार को समझा आज नफरत की दुकान खोले बैठा है। ये जुगनू मियां कहते हैं हजूर, हमें जरूरत है गुफ्तार कहा। इश्क में हम हुए ना दीवाने, कैश की आबरू का पास किया। वाह वाह हजूर, क्या क्या फरमाया है आपने, वाह वाह। सच कहो, क्यों आते हो यहाँ? किस्मत खींच कर ले आती है। यूं के मुंह पे झूठ बोलते हो? झूठ तो कभी नहीं बोलता। दिल्ली में क्यों आए हो? दिल्ली में काबा है मेरा। काबा? मेरी माँ। माँ है तो माँ के पास रहो ना। मिलेगी तो उसी के पास रहूंगा, उसके पैरों में सर रख के सोऊंगा। यूं के यहाँ क्यों खड़ी हो? यूं के पूछ रही थी, दूसरी बार आए हो तो काम किससे है? दिल्ली में मां को ढूंढने आया है। लो भाई उमराव बेगम, बानो को तो हमने अंगारा बाई के साथ आगरे रवाना कर दिया, और वहां से उसके मरने की खबर ही आएगी। तुम वली मिर्जा? वली मिर्जा हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? अंग्रेजी फौज से भाग कर आए हैं,
वरना जुगनू के शुबे में धर लिए जाते। तो धर लिए जाते? चेहरे पे मासूमियत तो देखिए। देख ली, क्या करूं? रात बेचारी को यहाँ रहने दीजिए, सुबह दम निकल जाएगा। वो जो ढूंढते ढांढते यहाँ पहुंचे तो कल तक हमारा दम निकल जाएगा। उठो। जेब में पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? 210। बस? अच्छा, ऐसा है कि उसमें से 100 हमारे हाथ में रखो, फिर सोचते हैं। इजाजत चाहूंगा। आदाब। सच पूछो तो चंदन मियां, दोनों भाइयों में किसी बात पर थन गई है। उस दिन दिलबर हजूर ने गम में डूबी हुई आवाज में कहा, फिरंगियों ने जो शाह के साथ किया वो हमसे करेगा, हमारा बालम हमसे करेगा। अरे किबला, अपने बालम हजूर कंचन भाई पर मर मिटे हैं और दिलबर हजूर चाहते हैं कि वो जिंदा हो जाए। अरे पुराने तमाशबीन कहते हैं जो तवाइफ पे मर मिटा वो फिर जिंदा नहीं होता। तो फिर तुम दिलबर हजूर को नहीं जानते रामदेव? वो कंचन के हाथों बालम को मरने नहीं देंगे और कंचन की खातिर वो जी नहीं सकेगा। अरे अरे नवाब दौलत मिर्जा, अरे मजूर, आइए आइए तशरीफ रखिए। तुम्हारे दिलबर हुजूर कहाँ है? किसी काम को बाहर निकले, कुछ ही देर में आ जाएंगे। ये बताओ, हमने तुम्हारे दिलबर हुजूर के बारे में जो कुछ सुना है क्या वो ठीक सुना है? क्या सुना है हुजूर? सुना है दाम पर काम करते हैं, काम चाहे कुछ भी हो। हुजूर 2000 पेश की। काम बोलिए हुजूर। गली दिलाराम में एक परी है। परी क्या है, जल परी है, निकाह की बात करके मुकर गई हमसे। आप उनसे कहिए कलमे पढ़वा दे, हम उनकी तिजोरी भरवा देंगे। पर आप लड़की का नाम बताइए हजूर। सुरैया। तुम दोनों को एक थैली अलग से देंगे हम छुआरे बटने के बाद। आप ठीक से कलमे याद कीजिए हुजूर और समझ लीजिए कि छुआरे बट गए। तो फिर आप भी समझिए कि अशरफियां आपकी झोली में हैं
बस गिनते रहिए और याद करते रहिए, नवाब दौलत मिर्जा, नवाब दौलत मिर्जा, नवाब दौलत मिर्जा, नवाब दौलत मिर्जा, नवाब दौलत मेरा हिसाब तो कोई रात दिया कर मुझको, मेरे कहने तो बराबर दिया कर मुझको, नवाब दौलत मिर्जा, नवाब दौलत मिर्जा। बात चाहे तुझे बुरी लगे, लगे तो लगे, पर है खरी, औरत की कमाई खाने वाले मर्द से खारिश का मारा कुत्ता अच्छा। कुत्ता रखो, आशिक को रहने दो। जुल्मी की बात कर रही हो परी अम्मा? कुत्ते की बात कर रही है। पांच सौ खटक रहा है। जो हाथ से गया वो क्या खटकेगा, मैं तो अगले हजारों का सोच रही हूँ जो वो पान पांच सौ करके मांगेगा। तुम हंस रही हो? लो, ये तो हंस रही है। तुम दोनों पर हंस रही। तुम ना इश्क को समझे ना रुपयों की औकात को, बैठे बैठे पांच सौ में तोल दिया मेरे जुल्मी को, और मैं पांच सौ से देकर आप टके की हो गई। अरे परी अम्मा, शुक्र करो उसने रुपये मांगे थे। भूल कर कह देता कि पैर काट के हवाले करो तो घुंघरू तुम गले में बांधा करती। और पन्नी मिया तुम नान भाई की दुकान पर उस कुत्ते की तरह बैठा करते जो हड्डी वाले कबाब के थूके जाने का इंतजार करता है। सुन रही हो पड़ी? इसे बताओ कौन है पन्नी मियां? तेरे हुस्ने गुफ्तार के सदके आधे फतेहपुर सीकरी के मालिक थे हम। ये तो शुक्र करो अकबर हमसे पहले हो गुजरा, वरना फतेहपुर सीकरी में उसको जानने वाला कोई ना होता। तो फिर क्या माजरा हुआ? हाय, इश्क ने मार डाला। तो फिर हमारी तरफ भी देखो पन्नी मियां, हमें भी इश्क ने मार डाला। उनकी तरफ भी देखो, उन्हें भी इश्क ने मार डाला। उठो परी, यहां कुछ दम और रुकेंगे तो खारिश निकल आएगी हमको। उठो। पन्नी मियां खफा क्यों थे? अपने आप से खफा थे। आज याद आया कि मोहब्बत में आधा फतेहपुर सीकरी हार गए। उनकी तसल्ली के लिए हमारा नाम लिया होता, हम तो मोहब्बत में अपनी सारी दुनिया हार गए। कंचन भाई बैठो। दिल पर पत्थर क्यों नहीं बांधते?
मुझसे कुछ सीखा है तो मेरी तरह के हो जाओ। तुम्हारी तरह हो जाऊं तो क्या मिलेगा? मेरी तरह के हो जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी, और तुम्हें पता नहीं मोहब्बत में सारा गम उम्मीद के होने से होता है। पहले मैं दरवाजे की दस्तक पर चौंक जाया करती थी, हर दस्तक पर जी कहता कि जुल्मी आया, लेकिन हर बार जुल्मी नहीं आया। बालम, सुरैया में बात कुछ खास है क्या? कभी उससे मिलूंगी तो बताऊंगी। चल दिए? हाँ, उसको एक बार मिलना जरूर। उससे मिलने पर इतना जोर क्यों है? हम तो बस ये देखेंगे, तुम्हें हार कर जो जीता है तो उसने जीता क्या है। इस सवाल का जवाब मिला तो फिर हम तुमसे पूछेंगे, हमें हार कर जो तुमने जीता है तो फिर तुमने जीता क्या है। हर्फ जब हर्फ दुआ हो जाए, तू जमाने से जुदा हो जाए, एक सजदे की कमी है वरना तू किसी रोज खुदा हो जाए। अंदर आने को नहीं कहेंगे? आई उस दिन जो आपसे कहा कि देखना आपका कुछ ठीक नहीं है तो उसकी माफी मांगने आए हैं। वो तो खैर आपके मुंह से निकल गया होगा। खैर, कहा तो हमने सोच समझ के था, लेकिन घर जाके आपकी मेहरबानी याद आ गई तो शर्मिंदा हुए। मेहरबानी? वो जो दीनदयाल कमबख्त की पीठ पे लात मारी और हमारी चौखट से रवाना किया उसको, तो वो मेहरबानी हुई ना? अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई मन मौजी सुरैया की दहलीज पर आकर उसके चचा को धमकाए और दिलबर खड़ा देखता रहे। आपकी कसम, हम तो उसकी जान ले लेंगे। हमारी कसम क्यों? यूं ही मुंह से निकल गए। खैर, आपने जो हमारे लिए किया उसका बहुत शुक्रिया। बदले में किसी दिन
अपने हाथ से कुछ पकाकर खिला देंगे आपको। कसम खाइए। कसम क्यों खाएं? यूं कि हम कुछ झूठ बोलते हैं। इजाजत। यूं कि जब हम झूठ नहीं बोलते तो सच बात यह है कि देखना आपका कुछ ठीक नहीं है। अब पूछिए इस थैली में रुपये कितने हैं और दिए किसने हैं। अच्छा हुजूर मत पूछिए, हम बताए देते हैं, बताओ। नवाब दौलत मिर्जा तशरीफ लाए थे, 2000 वर्ष की देकर एक छोटा सा काम कहा और कहा दिलवर हजूर से कहिएगा काम होते ही बकाया भेज देंगे। अब काम बताओ। काम क्या है हजूर? गली दिलाराम में सुरैया नाम की एक लड़की रहती है, 10,000 में निकाह करेंगे उसके साथ। सुरैया? कंचन, कंचन बाई अमेरन की बेटी। जी आओ, अंदर आओ। बैठो। सुरैया क्या लगती है आपकी? यूं तो उम्रों में 2 साल का फर्क है, पर रिश्ते में चची लगती हूँ उसकी। कहाँ है? तुम अमीरन की सुनाओ। उन्हें तो मरे हुए 3 बरस हो गए। ओह, कहाँ है वो? कौन? सुरैया। पियोगी क्या? सुरैया से मिलूंगी। ये जो सामने कमरा है उसमें होगी। तो यूं कहो ना, सुरैया से मिलने आई। कौन? कंचन, कंचन बाई।
पूजा करती है उसकी। पूजा किसे कहते हो? जब कोई प्यार में काफिर हो जाए तो पूजा करता है भाई। तो फिर काफिर बस कंचन नहीं है, तुम भी तो काफिर हो बालम। हमें माफ करना भाई, मोहब्बत इससे कम हमसे नहीं होगी। सच कहूं बालम, दिल्ली की गलियों में हमारी पगड़ी उछलने वाली है। दिल कहता है कंचन जिएगी तो उसके कोठे से हमारी गैरत का जनाजा निकलेगा। हमने बहुत चाहा भाई हमारे दिल की आग से आपका दामन ना जले, पर लगता है हमसे आग नहीं बुझेगी और आपसे दामन नहीं। तेरा मैं भला सोचती हूँ सुरैया, नवाब दौलत मिर्जा के पास इतनी दौलत है कि जवानी के सारे गम भूल जाओगी। जवानी को पैसों में तोलना पड़ा तो जवानी को फूंक डालूंगी अमराव बेगम। किसी नवाब दौलत मिर्जा के हाथ बिकने नहीं दूंगी। चल तेरी मर्जी, कांटों से उलझने का इतना ही शौक है तो फूलों को मसलती रहो। हमारी आंखों में आंखें डाल। ये नहीं कर सकता भाई, जिंदगी भर हमने तेरे लाड उठाए हैं बालम। एक तवायफ की खातिर हम तुम्हें बालाखाने की सीढ़ियों से गिरने नहीं देंगे। जो आपसे बेहतर हो कीजिए। तू चाहता है तेरे गुस्से पे तड़प जाएं हम और तड़प कर कह दें कि जा कंचन तेरी हुई। कंचन मेरी नहीं है भाई, जिस दिल में हम अपने लिए जगह मांगते हैं उस दिल पर हुकूमत किसी और की है। मतलब? वो जुल्मी से प्यार करती है। जुल्मी? जुल्मी से वो प्यार करती है? बानो कहाँ है? बानो तो गई। अभी तो गम गुसार गए हैं, अगली बार किसी से दिल की कहने सुनने की उम्मीद जाएगी। और आखिर में तेरे लिए रोने वाले तेरे आंसू भी छीन लूंगा। चल परी। आंसू तो रोने वालों की आंख से निकलते हैं लुड्डन मियां, और हम जो है ना रोएंगे कभी नहीं, रुलाएंगे तुम दोनों को, और इतना रुलाएंगे कि हंसने के पागलपन में खोई हुई आपकी गैरत वापस लौट आएगी। कल का थप्पड़ भूल गई तुम? तुम एक थप्पड़ पे भरोसा ना करो लुड्डन चाचा कि वो आबरू की फसील को तोड़ डालेगा। हमारी जान लो तो तुम्हें पता चले आबरू की कीमत क्या है। खाना बंद करो इसका। सांस लेना बंद करो तो बात बनेगी। बात तो बनेगी बन्नो, तेरा मैं रूप ना बदल दूं तो मेरा नाम भी उमराव बेगम नहीं।
आदाब भाई।